नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ जिला पूर्वी चंपारण के ढाका नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 में, और मैं बताते चलूँ कि यहाँ देवा कुमार नाम के जो प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 12 से वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जो मूल जो कारण है चुनाव लड़ने का वो आप उन्हीं के जवानी की कहानी सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ढाका नगर परिषद में नगर परिषद होने के बावजूद भी अभी तक ढाका नगर परिषद का विकास नहीं हो पाया है, जो कि आपको स्पष्ट रूप में वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह वीडियो में यहाँ के लोगों को जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ सबसे बड़ी कमियां है कि यहाँ पर लोगों को पानी निकासी के कारण बहुत सारी दिक्कत को सामना करना पड़ता है, और बरसात के दिनों में ये लोग बहुत तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि देवा जी हमारे साथ बने हुए हैं, अपना परिचय रखिएगा देवा जी। सबसे पहले तो आप लोग नमस्कार करते हैं कि आप लोग मुझे बोलने लायक समझे और मेरे पास आए, इसके लिए एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद में, और किन किन कारणों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि उम्र देखने में तो कम है, लेकिन इनका जो राजनीतिक अनुभव है वो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को फेस करेंगे और जनता इनकी तरफ आकर्षित कैसे होती है। तो आप बताइए कि आपके चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा कारण क्या है? मुख्य मुद्दा हमें चुनाव लड़ने का यही है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे समस्या है। सबसे पहले तो पूरे नगर परिषद ढाका में एक सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी का है और साफ़ सफाई का है, और साफ सफाई नहीं होने का कारण है कि यहाँ के जो लेबर है वर्कर है उनका समय से रुपया का भुगतान नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग हमेशा हड़ताल करते रहते हैं, जिसके कारण साफ सफाई नहीं हो पाता है। और पिछले कई बार से जो लोग यहाँ के मेयर रहे हुए हैं, डिप्टी मेयर रहे हुए हैं, वो लोग आज तक पानी निकासी का समस्या का समाधान नहीं करा पाए हैं। यानी कि ढाका नगर परिषद लगभग बहुत दिनों से ढाका नगर परिषद है, और इस क्षेत्र में अभी तक कचरा डैम का निर्माण नहीं हुआ है, और अभी तक पानी निकासी की जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये कमी है कि नली गली का जो योजना था वो नली गली धरातल पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, ताकि आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि नली गली की क्या स्थिति है, और यहाँ के लोगों को इंदिरा आवास का लाभ जिसको मिलना चाहिए वो वैसे व्यक्तियों को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। तो अगर जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे? जी बिल्कुल, हम खड़े उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। और एक बात और है, आप देख सकते हैं अभी जाइएगा तो देखिएगा यहाँ जो अगर हल एक बात और है आप देख सकते हैं अभी जाइएगा तो देखिएगा यहाँ जो अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो रोड से ऊंचा नाला बन चुका है, नाला का पानी रोड पे आ जाता है, जिसके कारण नाला के जितना भी कचरा उचरा होता है सब रोड पे बनने लगती है, और आप पैदल नहीं जा सकते, इतना बदबू करता है नाला का पानी रोड पर आने के कारण आपको बहुत सारी कठिनाइयों का प्रसारण करना पड़ता है। द्वारा मैंने बताया जा रहा है कि वो जनता हमको मौका देती है तो अगली बार कम से कम ढाका पूरा नगर परिषद क्षेत्र को नहीं, कम से कम वार्ड नंबर 12 को स्वर बनाने का प्रयास करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे, और आदर्श वार्ड बनाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि एक मिसाल जाए लोगों में कि हम युवा है और जीत कर पहली बार ऐसा वार्ड का निर्माण करेंगे, ताकि लोगों में मैसेज जाएगा कि हाँ कि जीते हैं तो काम कर रहे हैं। समाज सेवा रूप में आपने क्या क्या किया अपने? समाज सेवा के रूप में हम क्या बताएं अपने मुंह से, आप लोगों से पूछ सकते हैं, हम शुरू से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, किसी का शादी ब्याह हो उसमें जाते हैं, जो हमसे हो पाता है सहयोग करते हैं, किसी का ज़रूरत हो हमसे हम मेरे पास आता है हम पूरा सहयोग करते हैं। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सारा राशन सूचन तारीख कपड़ा पैसा कौड़ी सब कुछ दिया लोगों को जिनको आवश्यकता था। यानी समाज सेवा रूप में जो आपसे मैंने जुड़ा मिला वो आप लोगों के बीच में वितरण किए और लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं ना, तो अब इन्हीं का बात हम इन्हीं के जो ग्राम के लोग हैं जो वार्ड के लोग उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बात कितना सही है। आप यही रहने वाले हैं? नाम क्या हुआ आपका? नाम राजेश जी, बताइए कि क्या देवा जी की बात बोले हैं कि लोग में समाज सेवा के रूप में तरह तरह का जो काम होता था वो काम करते थे? समाज सेवा रूप में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। क्या लग रहा है आपको चुनाव आप लोग जातिगत दीजिएगा, जातिगत को चुनाव दीजिएगा या विकास को चुनाव दीजिएगा, वोट दीजिएगा? समाज सेवा को लेकर दीजिए वोट दीजिएगा। जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, आप ही यही कराने वाले हैं चुनाव का? अभी बार क्या प्रक्रिया आप लोगों को ओपिनियन क्या है कि चुनाव किस मुद्दा को दिया जाएगा, वोट किस मुद्दा को दिया जाएगा? लोगों काम ये बताया देवा जी की यहाँ मेन जो नाला है नगर परिषद का,
नाला पूरे नगर का पानी जाएगा कहाँ, सबसे बड़ा समस्या ये है। और हमारे वार्ड नंबर 12 में भी सबसे बड़ा समस्या है कि पानी निकासी का। और रह गया सवाल कि इतने दिन से तो और लोग भी मतलब कि वादा की है, लेकिन कोई लोग रुका का चला नहीं मिलते अपना समय से चले। धन्यवाद जी। जीते जो आप दूसरा बात जीते अपना और अपना काम निकाले उसके लिए। चुनाव के समय तो बहुत ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव के समय तरह तरह के वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो आदमी जो प्रतिनिधि होते हैं वो धरातल पर दिखते ही नहीं हैं, और लोगों को जो परेशानी है वो परेशानी झेलना ही पड़ता है। और अब की बार लोगों का जो मन है कि बदलाव लाना है, बदलाव का मुख्य कारण है कि बदलाव होगा तभी समाज में परिवर्तन होगा और विकास होगा। आप एक रहने वाले हैं सर, अभी नाम क्या हुआ आपका? उमेश राव। उमेश राव, उमेश जी बताइए कि आपके पास जो चुनाव जो आप जो हो रहा है ये चुनाव किस मुद्दा पर लोग लड़ेंगे और किस तरह से अपने प्रत्याशी विकास करने के विकास होना चाहिए। नाला का समस्या सिर्फ नाला का है, हाँ यहाँ पानी का निकासी है ही नहीं। उसमें भी तो आप लोगों ने जो वोट दिया था विकास पर ही वोट दिया था, इनका विकास हो पाया कैसे? हुआ थोड़ा बहुत जी, जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, यानी कि सरकार की योजनाओं का बंदरबांट किया गया है। बात नहीं किया गया है सरकार से, उस पर मनी कोई अमल नहीं किया गया है। सरकारी जो योजना थी वो योजना धरातल पर नहीं कहीं ना कहीं दलालों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बंदरबांट हुआ है। नहीं, सरकार का भी गलती है, सरकार का भी गलती है, प्रशासन माने के लिए माने चाहे लोग आया काम चालू करने के मूड में आया लोग, लेकिन उनको लोग कितने नहीं दिए। आम आदमी की भी गलती है, अफसर लोग को भी टिकट नहीं दिया। जो कामिल लग रहा है कि देवाजी को अपनी बार आप लोग भारी मदद दे। चलिए देखना है कि देवाजी के सपोर्ट में तो लोग हैं यहाँ पर, और देवाजी चुनाव जीतने के बाद आखिर क्या करते हैं अपने वार्ड के लिए, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज। मैं एमडी परवेश, कैमरामैन धीरज सिंह के साथ। जय हिंद। जो ने साल आ गया अब डाल तब देख लोग सब से राय लिया।